नमस्कार, लाइव खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रवीण शर्मा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इगलास आगमन पर प्रदेश सरकार के विरोध में गैर भाजपाई दलों के साथ अन्य संगठन भी सड़कों पर उतर आए। जगह जगह हुए विरोध प्रदर्शन और इगलास के जाने के लिए अड़े कांग्रेस व सपा अन्य नेताओं को अलग अलग जगह से 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें से पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह और पूर्व विधायक विवेक बंसल भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने काले गुब्बारे हवा में छोड़कर विरोध जताया। हालांकि सीएम के इगलास से चले जाने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया, लेकिन इससे पहले धरना प्रदर्शन के चलते शहर की सड़कें जाम हो गईं। सीएम के विरोध में नारेबाजी भी की गई। उधर अलीगढ़ शासनी गेट पर कांग्रेसियों ने युवा हुंकार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ओम वीर यादव ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जिस समय प्रदेश में जनजीवन स्थिति बिगड़ रही है, सड़कों पर आवारा पशु हादसे का सबब बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति खस्ता हाल हो चली है, बिजली की बड़ी दरों ने आम आदमियों से लेकर किसान की कमर तोड़ दी है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है जिससे आक्रोश फैल रहा है, इन्हीं सब के विरोध में मुख्यमंत्री को इगलास में ज्ञापन देना है। जिसके बाद इगलास की ओर कूच कर रहे कांग्रेसियों को सीओ प्रथम और कई थानों की पुलिस बल ने रोक लिया। पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह के साथ यूपी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओम वीर यादव, गैरांग देव, कपिल शर्मा, मोहम्मद सारिक, नितिन चौहान, वाल्मीकि दीपक, रोविन, रूविन नदीम, संदीप, राहुल यादव, 50 से ज्यादा कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया गया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अलीगढ़ में आगमन हो रहा है, तो यहाँ अलीगढ़ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ पर आए दिन परेशानियों का सामना आमजन को करना पड़ रहा है और बड़ी विडंबना की बात है कि यहाँ पर अगर वो आ रहे हैं तो विकास के लिए सर्टिफिकेट बांटने आ रहे हैं। अब विकास किस दिशा में इन्होंने किया है हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम उनसे इन जन समस्याओं को लेकर के बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अलीगढ़ में आए दिन बारिश का पानी भरना, गंदगी चारों तरफ फैल रही है, आए दिन रोड़ों पर जाम का बहुत बुरी तरह सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को, सरकारी जो दफ्तर हैं वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, और आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की है, महंगाई की है, चाहे डीजल पेट्रोल की महंगाई है, चाहे गैस के सिलेंडर की महंगाई है, चाहे सब्जियों की महंगाई है, फलों की महंगाई है, हर जगह आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अब उसके विरोध में हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और हम इस उत्तर प्रदेश सरकार के आंख नाक कान खोलने का काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारे अलीगढ़ से संवाददाता प्रदीप चौधरी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें लाइव खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।